नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। आज आपको अभी हम बताने जा रहे हैं कि दिन भर में बिहार में कोरोना की लड़ाई में क्या हुआ, क्या जीत मिली, क्या हार हुई और कहाँ चैलेंजेस अधिक बड़े हो गए। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए, जब आपको हम बताने जा रहे हैं तो बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार का 5वां अपडेट आ गया है और इस अपडेट में खबर दी गई है कि वैशाली और भोजपुर में फिर से एक नए मरीज मिले हैं कोरोना पॉजिटिव के। और इस तरीके से टोटल कंफर्म केसेस, जो कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं, उनकी संख्या हो गई है 591 और एक्टिव केसेस हैं 268। यदि हम रिकवरी की बात कर लें तो वो है 318 और मृत्यु हुई है 5। तो टोटल पीपल रिकवर्ड इन 24 आवर्स, पिछले 24 घंटे में कितने लोग सलामत होकर घर लौटे या घर पहुंचने वाले हैं, उनकी संख्या है 51। तो ये तो देखिए ब्यौरा है, लेकिन जिस चैलेंज की हम बात करने जा रहे हैं, देखिए मैं गर्व से कहता हूं कि मुझे बिहारी होने पर गर्व है। आप भी बिहार से वास्ता रखते हैं, संकट का समय है, लेकिन हमारी आपकी मातृभूमि बिहार है, इसलिए बिहार ही हमारे लिए सर्वोच्च है, देश तो है ही। तो बिहार के सामने चैलेंजेस जो नए तरीके से आ रहे हैं, इस बात में कहीं कोई असहमति नहीं है, इस बात से पूर्ण सहमति है कि संकट के वक्त लोगों को अपने घर आने देना चाहिए, चाहे वो छात्र छात्रा हों, चाहे वो प्रवासी मजदूर हों। और वैसे लोगों को जो दूसरे प्रदेशों में जाकर फंस गए हैं, जहां उनके सामने खाने के लाले पड़े हैं, काम बंद हो गया है, भाड़ा देने को पैसा नहीं है, तो हम इस बात की हिमायत फिर से कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को आने देना चाहिए। लेकिन चैलेंज नया क्या पैदा हो गया है कि देखिए, जब भारत सरकार ने यह फैसला किया कि प्रवासी मजदूरों को उनके गृह प्रदेश में वापस किया जाएगा, विशेषकर वैसे, बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया था 2 दिनों के बाद ही, जो फंसे हुए हैं, तो प्रवासी मजदूरों की वापसी के लिए स्पेशल ट्रेन्स चलनी शुरू हो गई। स्पेशल ट्रेन्स की मांग बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही सबसे पहले की थी, क्योंकि बसों से लाया जाना संभव नहीं था। यह भी सही है कि सबसे अधिक ट्रेन्स बिहार के लिए चले हैं, पर देखिए चुनौतियां कैसे बढ़ती जा रही हैं। चुनौतियां इस रूप में बढ़ रही है और इस मुद्दे पर हमें आपको, पक्ष को, विपक्ष को, सबों को एकमत होने की जरूरत है। चुनौती ये नई आ खड़ी हुई है कि जहां हम संक्रमण को कम करने की दिशा में आगे बढ़ते, अब संक्रमण अधिक फैल रहा है। कैसे फैल रहा है? इसलिए फैलने लगा है क्योंकि जो दूसरे प्रदेश से लोग आ रहे हैं वो संक्रमित होकर लौट रहे हैं। पहले से कोरोना पॉजिटिव के लक्षण उनमें थे। और क्यों मैं कह रहा हूं कि पक्ष विपक्ष सबों को एकमत होने की जरूरत है? आपने वो तस्वीरें जरूर देखी होंगी, वो वीडियो जरूर देखे होंगे, जिनमें बिहार आने पर उनकी थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, अन्य प्रकार के लक्षण पूछे जा रहे हैं, इसके बाद उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में भेजा जा रहा है। लेकिन जहां से उनकी रवानगी हो रही है, यदि हम एकाध शहरों को छोड़ दें, ऐसा लगने लगा है कि उन शहरों से रवानगी के पहले उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं की जा रही है। यदि उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग की जाती तो 2-3 दिनों में ही, बिहार आने के 2-3 दिनों में ही, ऐसे लोगों की संख्या हरगिज नहीं बढ़ती जो बाहर से लौट रहे हैं और बिहार में रोग लेकर लौट रहे हैं। आपने उन स्टेशंस की तस्वीरें देखी होंगी, वीडियोस देखी होंगी, जहां से ट्रेनें खुल रही हैं दूसरे प्रदेशों से। आपने यात्रियों को प्रवेश करते देखा होगा, स्टेशन पर पहुंचते देखा होगा। यह भी देखा होगा कि वहां जो सीओप करने के लिए लोग हैं, उन्हें लोग गुलाब दे रहे हैं, लेकिन यह तस्वीरें आपने शायद कम देखी कि वहां भी प्रॉपर स्क्रीनिंग चल रही है। तो देखिए, स्क्रीनिंग की बात कम हुई और सियासत टिकट पर छिड़ गई, रेलवे टिकट पर। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कोटा से जो छात्र छात्राएं
बिहार वापस हुए उन्हें टिकट नहीं देना पड़ा, उन्हें टिकट का पैसा नहीं लगा। लेकिन यह बात भी सही है कि मजदूरों को टिकट का पैसा लगा है। बहस अब इस पर है कि टिकट का पैसा किसने दिया। देखिए, मैं इस बात का हिमायती हूँ कि मजदूरों को टिकट का पैसा नहीं लगना चाहिए इस विकट घड़ी में। लेकिन सियासत कहाँ शुरू हो गई? केंद्र सरकार ने तो कह ही दिया कि रेलवे को भाड़ा देना है, और जो कंसर्न्ड स्टेट है, चाहे ले जाने वाले चाहे बुलाने वाले, भाड़ा उनको वहन करना है। कांग्रेस पार्टी कूद पड़ी। तो अब तक जो दृश्य हैं, देखिए, बहस का मुद्दा यह होना चाहिए था कि मजदूरों को भाड़ा न देना पड़े। अब भाड़ा दिल्ली की सरकार दे रही है कि बिहार की सरकार दे रही है, गुजरात की सरकार दे रही है कि बिहार की सरकार दे रही है, कांग्रेस पार्टी दे रही है कि तेजस्वी यादव दे रहे हैं कि पप्पू यादव दे रहे हैं, बहस ये नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन इस बहस में जो मूल बात छिप गई, जो एजेंडा होना चाहिए था हमारा, कि जहां से लोग भेजे जा रहे हैं वहां उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग क्यों नहीं कराई जा रही है, वे राज्य सरकारें, क्योंकि भारत सरकार ने भी स्पष्ट किया था कि जिनके भीतर लक्षण दिखाई पड़ेंगे वे लोग रवानगी नहीं करेंगे, भेजे नहीं जाएंगे। देखिए, COVID-19 केसेस में यह भी बात है कि लक्षण नहीं दिखाई जिसमें पड़ रहे हैं उनके भीतर भी COVID-19 के केसेस मिले हैं। पर गौर कीजिए कि जब बिहार में क्वारंटाइन सेंटर में ले जाया जा रहा है बड़ी संख्या में लोगों को जो बाहर से मजदूर आ रहे हैं, तो उनमें से कुछ ही ऐसे लोग क्यों मरीज के रूप में चिन्हित कर लिए जा रहे हैं? इसलिए चिन्हित कर लिए जा रहे हैं कि उनके भीतर लक्षण दिखाई पड़ा और वे लक्षण लेकर आए, और जब जांच हुई तो उनके भीतर COVID-19 का केस निकल गया। अब सोचिए आप, इसके कारण बिहार में भयावह स्थिति क्यों बनती जा रही है? यदि इन्हें गांव जाने के लिए छोड़ दिया जाता, नीतीश कुमार ने क्वारंटाइन सेंटर में नहीं रोका होता, तो ये क्या क्या कर दिए होते और महामारी को कितने बड़े पैमाने पर फैला दिए होते। कल की बात कर ले, कल देखिए 29 नए केसेज आए थे, और जो जानकारी थी रात तक, इसमें 18 से 19 ऐसे लोग थे जो COVID-19 के केसेस निकले थे जो बाहर से आए थे। अकेले समस्तीपुर में 6 केसेस निकल गए थे। समस्तीपुर में जो लोग बाहर से आए थे, देखिए उसमें एक करेक्शन है, हमने जो कल बताया था कि वो ट्रेन से नहीं आए थे, वो किसी न किसी रास्ते जिले में प्रवेश करने की तैयारी में थे, तब उन्हें पुलिस ने रोका था, और जब उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में ले जाया गया और उनकी जांच की गई तो वो COVID-19 के पॉजिटिव केसेस निकले। तो देखिए, जो बाहर से आ रहे हैं, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं बिहार का मुद्दा ये होना चाहिए कि बाहर से लोग जरूर आए, घर नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? जब कह दिया गया कि फंसे हुए लोग घर जा सकते हैं, लेकिन आए तो बीमारी लेकर ना आए, क्योंकि यहाँ रहने वाले उनके माता पिता भाई भतीजा सब लोग हैं, अपनी बीमारी वो क्यों दूसरे को दे देना चाहते हैं? इसलिए हम पक्ष से विपक्ष से सबों से यह अनुरोध करना चाहते हैं कि आप मुद्दा टिकट का मत बनाइए। टिकट का मुद्दा सिर्फ इतना भर हो कि टिकट मजदूरों को न देना पड़े। टिकट बिहार सरकार दे रही है, दिल्ली सरकार दे रही है, कांग्रेस पार्टी दे रही है, तेजस्वी यादव दे रहे हैं, पप्पू यादव दे रहे हैं, यह अलग बात है। लेकिन मुद्दा इस बात को बनाइए और दबाव इस बात पर बनाइए कि जहां से मजदूर चल रहे हैं, श्रद्धालु चल रहे हैं, तीर्थयात्री चल रहे हैं, पर्यटक चल रहे हैं, छात्र छात्रा चल रहे हैं, वहां उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग हो, ताकि वो बीमारी लेकर बिहार में प्रवेश न करें। अब यदि हम आज 5 अपडेट्स आ गए संजय कुमार स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव के, यदि उन्हीं के केसेस को हम देखें, तो आज जो तीसरा अपडेट आया था वो मुजफ्फरपुर से था। देखिए, बिहार के 37 जिले चपेट में आ चुके हैं, सिर्फ जम्मू इकलौता जिला बचा है जो अभी चपेट में नहीं है, इन्फेक्टेड नहीं है। कल तक मुजफ्फरपुर भी नहीं था, आज मुजफ्फरपुर भी चपेट में आ गया। इसके बाद मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने मुजफ्फरपुर में जानकारी दी, और मालूम ये हुआ कि मुजफ्फरपुर में आज COVID-19 जो 3 नए केसेज मिले, 3 नए केसेज मिले, वे सभी वैसे लोग हैं जो 6 मई को बाहर से मुजफ्फरपुर आए थे। मतलब ये रोग लेकर आ गए जब भारत सरकार ने ढील दी। और आप सोचिए, यदि इन्हें क्वारंटाइन सेंटर नहीं ले जाया गया होता, ये सीधे गांव में पहुंच गए होते, तो ये 3 लोग कितने लोगों को बीमारी फैलाते? हमारे आपके पास जो आंकड़े हैं, आपको पता है कि एक एक व्यक्ति ने 87 लोगों को बीमारी फैलाई।
तो आज मुजफ्फरपुर में इस तरीके, मुजफ्फरपुर पहले से सुरक्षित था लेकिन आज तीन नए केसेज इसलिए मिल गए कि तीनों बाहर से आए। देखिए आज जो चौथा अपडेट आया था, फोर्थ अपडेट था, उसमें भी अरवल से आया, 35 ईयर्स के मेल थे, ये भी दूसरे प्रदेश से पहुंचे और रोग लेकर आ गए। सिवान के बरहरिया से आया, ये भी दूसरे प्रदेश से आए और रोग लेकर आ गए, 24 साल के हैं। नालंदा के एक कंगरसराय से केस आया, 42 ईयर्स के मेल हैं, ये भी दूसरे प्रदेश से आए और रोग लेकर आ गए। नालंदा के ही हरनौर से एक केस और आया, ये भी दूसरे प्रदेश से आ गए। जब अभी आपको हम बता रहे हैं तो भोजपुर और वैशाली में फिर से नए केसेस मिल गए हैं। आज दिन में कुछ लोग खुश इस बात को लेकर थे कि आरा के जितने लोग, मतलब भोजपुर के जितने लोग COVID-19 पॉजिटिव पाए गए थे, वे सभी सही हो गए और घर लौट गए। लेकिन देखिए, जब आपको हम खबर बताने जा रहे थे तब तक खबर आ गई कि भोजपुर में एक और नया पॉजिटिव केस मिल गया है। इसलिए बिल्कुल इस बात की खुशफहमी मत पालिए कि यदि आपके यहाँ कोई केस नहीं रह गया, सभी के सभी रिकवर हो गए, तो नए केसेस नहीं आ सकते हैं। देखिए अब चैलेंजेस नए हैं, जो बाहर से आ रहे हैं वो रोग लेकर आ रहे हैं, यह सभी नहीं लेकर आ रहे हैं, तो ये चैलेंजेस नया है। अब बात यदि हम टेस्टिंग की कर ले, और देखिए आपको यह भी जानना जरूरी है कि टेस्टिंग की स्पीड क्या है और कितनी गति में और क्या हम हासिल कर पा रहे हैं और क्या रिपोर्ट्स आ रहे हैं। आज सुबह में सरकार ने ब्यौरा दिया था, देखिए जो आज रात 8 बजे तक की जानकारी होती है उसके बारे में कल सुबह 10 बजे बताया जाता है। तो उसके मुताबिक जब से टेस्टिंग शुरू हुई अब तक बिहार में मात्र 32,767 टेस्ट हुए हैं। पिछले दिन मतलब कल 1040 मतलब 1040 टेस्ट हुए थे, और अब तक यदि हम बात कर, देखिए ये रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं आज सुबह का, देख जब हम आपको अभी की पॉजिटिव केसेस बताएंगे तो वो है 591, लेकिन सुबह में केसेस थे 580, तो 580 लोग सुबह तक मिले थे, फिर बाद में 591 हो गए, तो संख्या बढ़ती जा रही है। और 1831 इतने जो टेस्ट थे वो पेंडिंग थे। तो देखिए बिहार में टेस्ट कम हुए हैं, 11 करोड़ 12 करोड़ की आबादी में 32,767 केस। अब थोड़ी हम बात कर लेते हैं कोटा की। कोटा की बात इसलिए कि क्योंकि सरकार ने यह मान लिया है कि कोटा से जिन छात्र छात्राओं को लाना था वो सभी लाए जा चुके। लेकिन देखिए आपको हम बताना चाहते हैं कि कोटा से अब भी हमें बिहार के छात्र छात्रा फ़ोन कर रहे हैं। कौन फ़ोन कर रहे हैं और उनकी शिकायत यह है कि देखिए ये बात सही है कि बहुत बड़ी संख्या में स्पेशल ट्रेन चला के बिहार के विभिन्न हिस्सों के लिए कोटा से छात्र छात्राओं को लाया गया, लेकिन वहाँ रहने वाले छात्र छात्राओं की शिकायत है कि अब भी वहाँ कई सौ, हो सकता है हज़ार भी पहुँच जाए छात्र छात्रा बिहार के फंसे हैं, और उनमें सिवान और गोपालगंज कुछ समस्तीपुर के छात्र और छात्राएं भी हैं, तो इन्हें भी निकाला जाना चाहिए, इन्हें भी वहाँ से लाया जाना चाहिए। कोटा को हम इस बात के लिए बधाई देना चाहते हैं, जब हम स्क्रीनिंग की बात कर रहे थे कि हमने कोटा के दृश्य देखे थे, और कोटा में यह काम, नेक काम कोटा के कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले ने भी किए थे, जब बसों से दूसरे प्रदेशों में भेजा जा रहा था, बिहार तो बस से कोई आया नहीं, कि वे प्रॉपर स्क्रीनिंग करा रहे थे। इसलिए आप देखिए जब कोटा से प्रॉपर स्क्रीनिंग होकर बच्चे लौटे हैं, उन्हें होम क्वारंटाइन कराया गया है, लेकिन अभी कोई केस ऐसा नहीं मिला है जो 10,000 से अधिक बच्चे आ गए जिनके भीतर वहाँ से यहाँ आने के बाद कोरोना पॉजिटिव का केस मिला है, ऐसा कोई बच्चा नहीं मिला। देखिए वहाँ प्रॉपर स्क्रीनिंग कराकर भेजा गया, तो जब आप प्रॉपर स्क्रीनिंग कराएंगे तो फायदा इस बात का होता है। तो अंत में हम फिर से सबों से गुजारिश करते हैं, एक बिहारी होने के नाते देखिए जिन्हें घर आना है उन्हें तो लाना ही पड़ेगा, जो गाइडलाइंस है, लेकिन गाइडलाइंस यह भी है कि जिनके भीतर रोग के लक्षण हैं वे नहीं लाए जाएंगे, ताकि वे और नई जगह पर जाकर संक्रमित ना कर दें। तो पक्ष विपक्ष सभी मिलकर इस बात को मुद्दा बनाएं कि जहां से प्रस्थान हो रहे हैं, बिहार के लिए रवानगी हो रही है, वे स्टेट्स निश्चित रूप से हरी झंडी दिखाने के पहले प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग करा दें, ताकि बिहार जा रहा कोई भी व्यक्ति रोग लेकर ना आ रहा हो, क्योंकि अब तो प्रमाणित है कि रोग लेकर आ रहे हैं।
तो इस मुद्दे पर हम बने रहेंगे, आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिएगा। धन्यवाद।